नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस क्या होता है, ये पाकिस्तान के बाद अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत के जवाब से साफ होता जा रहा है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के ऊपर उंगली उठा चुके जस्टिन ट्रूडो को एक के बाद एक करारे जवाब भारत ने देने शुरू कर दिए हैं। स्टेप वन में कनाडा से सीनियर डिप्लोमेट को निकाला गया है। स्टेप टू, कल भारतीयों को कनाडा के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्टेप थ्री, आज कनाडा में वीजा सेवाएं फिलहाल निलंबित की गई हैं। स्टेप फोर, आज ही भारत में कनाडा के राजनयिकों को की संख्या घटाई गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में आरोप राजनीति से प्रेरित है और भारत से कोई स्पेसिफिक जानकारी साझा नहीं की गई है। भारत के रिस्पांस में कनाडा को सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट बताया गया है। माफ कीजिएगा, ये वो शब्द है जो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को संकेत दे दिया है कि भारत विरोधी खालिस्तानी मूवमेंट को कनाडा में छूट देना और निज्जर मामले में विश्वसनीय आरोप जैसा शब्द बोलकर दुनिया से झूठ बोलना भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जब जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी तो क्या नरेंद्र मोदी का जवाब हिंदुस्तानी, यही है आज सवाल पब्लिक का। खालिस्तानी आतंकवाद पर कनाडा को भारत के कड़े रुख के बीच आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब एक ओर कनाडा के खिलाफ कूटनीतिक सख्ती बरती जा रही है तो वहीं दूसरी ओर कनाडा में रह रहे भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को लेकर चिंताएं सामने आई हैं। अन्य देशों से कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट बनने वालों के में लगभग एक तिहाई भारतीय हैं, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय के आज के जवाब से साफ है कि भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चाहे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो या दूसरे कॉन्टिनेंट के देश कनाडा में, करारा जवाब जरूर मिलेगा। सुनिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का ये बयान। To us, it seems or it appears that these allegations by the government of Canada are primarily politically driven. वहाँ safe havens दे रहे हैं Canada में, वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके Canadian सरकार safe havens न दें और जिनके against ऐसे terrorism के charges हैं उनके ऊपर action ले और वहाँ either उनके ऊपर वहाँ action ले या हमें यहाँ justice face करने के लिए यहाँ भेजे। We have been sharing details of fugitives from justice who have run away, who are seeking safe havens in Canada and elsewhere to come back to India and face justice and, justice, whether it's economic fugitives or as terrorists. I think that's the way, rule of law works. No, let me clarify. No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. आज कनाडा के डिप्लोमेट्स की संख्या भारत में घटने के फैसले के बीच भारत ने एक और अहम बात ये कही कि हमारे अंदरूनी मामलों में कनाडा की कूटनीतिक दखल देखी गई है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब भारत में तीन कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे तब उस आग को हवा देने में जस्टिन ट्रूडो का हाथ साफ तौर पर सामने आया था। भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान कनाडा में भारत के खिलाफ रैलियां निकाली गई थी। नवंबर 2020 में जस्टिन ट्रूडो ने कहा था, भारत में आ रही रिपोर्ट्स चिंताजनक हैं और मेरा देश शांतिपूर्वक प्रदर्शनों के अधिकार की रक्षा करेगा। भारत ने ट्रूडो के बयान को अंदरूनी मामलों में स्वीकार न की जाने वाली दखल कहा था। इस बीच कनाडा में अपनी सरकार बचाने के लिए वहां खालिस्तान समर्थकों को शह देने वाले जस्टिन ट्रूडो की नीतियां वहां के सिख और हिंदू समुदाय को बांट रही हैं। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकियों को लेकर कनाडा के हिंदू सांसद चंद्रा आर्या का एक बयान सुनिए।
few days back, Khalistan movement leader in Canada and president of Sikhs for Justice, which organizes the so-called referendum, Gurpatwant Singh Pannoon, attacked Hindu Canadians, asking us to leave Canada and go back to India. I've heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. ये शख्स कौन है? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जस्टिस ट्रूडो की, जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के, उन्हीं के अपने एमपी। कनाडा में खालिस्तान को शह देने की नीति सिर्फ वहां के भारतीय मूल के लोगों को आपस में लड़ा नहीं रही है, बल्कि ये बात खुद कनाडा के कानून व्यवस्था पर आफत बन रही है। आज कनाडा के विनिपेग में गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुखा दुनेके की हत्या हो गई है। सुखदूल की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली है। सुखदूल और लॉरेंस दोनों का नाम कनाडा से लिंक रखने वाले 43 ऐसे गैंगस्टर्स की एनआईए की लिस्ट में है। ये लिस्ट कल ही जारी हुई है और एक लिस्ट पहले से कनाडा को दी गई है जिसपे कोई अमल नहीं हुआ। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। पब्लिक का सवाल नंबर वन, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को कूटनीतिक तेवर दिखाकर खालिस्तान समर्थकों को कड़ा संदेश दे दिया है? कनाडा से लिंक रखने वाले गैंगस्टर्स पर एनआईए की लिस्ट और वहां खालिस्तानी गतिविधियां क्या वहां आतंकियों को सेफ हेवन के भारत के दावों में पुष्टि करती है? G20 की सफलता के बाद जस्टिन ट्रूडो की बार बार की दखल पर आईना दिखाना क्या भारत के बढ़े अंतरराष्ट्रीय कद की उजागर करता है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, परमिंदर सिंह सेठी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिनकी सरकार चल रही है पंजाब में। हमारे साथ श्यामा और रमन चोपड़ा भी जुड़ रहे हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, मॉन्ट्रियल कनाडा से जुड़ रहे हैं। एमएस बिट्टा चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीनी साहनी कांग्रेस के लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं श्यामा और रमन चोपड़ा जी से, मैं पूछ रही हूं रमन चोपड़ा जी, कंजर्वेटिव पार्टी के आपकी पत्नी लीडर हैं और मैं आपसे सीधा ये सवाल पूछना चाहती हूं, ये सूरत हाल जो कनाडा में चल रहा है इस वक्त, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या जस्टिन ट्रूडो जिस तरह से भारत पर उंगली उठा रहे हैं, इसका उनके पास कोई सबूत है या अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये काम हो रहा है गैंग वॉर्स कनाडा के और दोष भारत पर? ये भारत तो सहने वाला नहीं है। सबसे पहले डिप्लोमेट्स हैं सारे एंड जितने डिप्लोमेटिक हो रहे हैं उन्होंने वो पीछे नहीं हटे इनकी इन गुंडों की धमकियों से, और ये जो कर रहे हैं ये कुछ खालिस्तानी कर रहे हैं, ये सारी सिख कौम को मत मिल रहा हो इसके अंदर, इसके अंदर सारी सिख कौम एक एक सवा सवा लाख है, देश के लिए जान देने वाले हैं, ये खालिस्तानी नहीं है। और जो भी जस्टिन ट्रूडो कर रहा है सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए, मरता क्या नहीं करता, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। आज मेरे लीडर पियर पोलिविया जो लीडर है अपोजिशन का, उसने भी कहा है कि इसने कुछ दिखाया नहीं, प्रिटेंड किया पार्लियामेंट में कि आई कंसल्टेड एंड आई वांट टू टेल यू दैट यू हैव वेरी गुड सपोर्ट विद सेनेटर लियो सार्कस आउट हियर हु इज चेयर ऑफ द स्पीकर ऑफ द सेनेट, जो अपोजिशन के लीडर है पियर पोलिविया और मिस्टर अगोप एवरक्लियन और मैं और शमा जी हु रैन अगेंस्ट जस्टिन ट्रूडो, वी आर ऑल विद इंडिया, इसका कुछ नहीं होगा। सिर्फ टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करो ना, जो टेररिस्ट कैंप चल रहे इतने बड़े कैंप होते हैं वो तो आप नजर नहीं आए, ये जितने भी है जो एलिगेशन हैं झूठ हैं, कोई इनको मानता नहीं है। और जो है जस्टिन ट्रूडो को शर्म आनी चाहिए अपनी कंट्री ऐसे नीचे दिखाना इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, और इसकी हरकतों के कारण पूरे कनेडियन सफर कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये निज्जर जो है ये हमारा वर्जन नहीं है कनेडियन सिटीजन का, कनेडियन सिटीजन का है कि हमें शांति चाहिए, सबके साथ हैं हम, टेररिस्ट नहीं है, गुंडे नहीं है, कुछ नहीं है। इनफैक्ट शर्मा जी वॉज इन अप्लेन, कोई अगर मानता है, कोई अगर मानता है कि सारे सिख खालिस्तानी सोच रखते हैं तो ये गलत मानता है। इस देश
में सिखों की जो जगह रही है वो पूरा देश जानता है चोपड़ा साहब, तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के ये चेयरमैन हैं। बिट्टा साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, निज्जर के लिए आंसू बहाना ये ट्रूडो की सबसे बड़ी गलती है क्या? क्योंकि निज्जर, लुधियाना ब्लास्ट, पटियाला ब्लास्ट और कई ऐसे हिंदू लीडर्स के ऊपर उसकी जो नजर थी, ये सारे किस्से सामने हैं। एनआईए की लिस्ट में उसका नाम है, वांटेड है, 10 लाख का इनाम है। उसके बारे में इस तरह के घड़ियाली आंसू रोना और भारत पर उंगली उठाना क्या ट्रूडो की सबसे बड़ी गलती है? देखो, पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कह दूं, हिंदुस्तान की एजेंसियां ऐसा काम नहीं करती कि दूसरे देशों में घुस के ऐसा काम करे। हाँ, हिंदुस्तान की फौज ने ये काम किया था जब पुलवामा के अंदर बतावी जवानों को शहीद किया था, तो खुल करके 15 मिनट के अंदर हमारे जवानों ने जिंदा शहीद की तरह 500 आतंकवादियों को ढेर करके आए। वो एक मिसाल पूरी दुनिया में बताई गई, ये आज का हिंदुस्तान है। जहां तक ये आतंकवादियों का सवाल है, ये वो आतंकवादी जिन्होंने तिरंगे झंडे का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के तिरंगे झंडे का यूके की एम्बेसी पे अपमान किया, जिन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी कहा, जिन्होंने भारत माता को गाली दी, जिन्होंने तिरंगे झंडे को उतार के कनाडा के अंदर फुटबॉल बना के उसको रोका, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिन्होंने कनाडा के अंदर, जिन्होंने यूके के अंदर, जिन्होंने अमेरिका के अंदर मंदिरों पे हमले किए, महात्मा गांधी की मूर्ति का अपमान किया, क्यों नहीं हमारे समाज से लोग निकले इनका विरोध करने के लिए? हाँ ठीक है, आज सिरसा साहब, हम सब हैं 10 लोग, हम कर सकते हैं प्रोटेस्ट। उस वक्त भी किया था जब पन्नू ने कहा था रेफरेंडम बनाएंगे, मैं कहा तेरी ऐसी की तैसी, यूके की एम्बेसी हजारों नौजवानों से घेरी थी, इसका 200 हमारे हजारों से सबसे। पर जितनी देर तक हिंदुस्तान के अंदर पूरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हिंदुस्तान की, हमारे सिख समाज के लोग, जिनका एक दुनिया जिसके आगे नमस्तक करती है, हरिमंदर साहब चले जाओ, 20% सिख भाई, 80% हिंदू भाई नमस्तक करते हैं, सड़कों पे आगे तिरंगे पकड़ ले और गुरुद्वारा साहब के अंदर अरदास करे और ऐलान करे, पंजाब नहीं पूरे हिंदुस्तान में हम इन खालिस्तानियों के खिलाफ हैं, हम भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलकर चलने वालों के खिलाफ हैं, हम पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान भारत हमारा है करके तो को देखे, हम 10 लोग कर देंगे, कुछ छोड़ने वाला नहीं। सड़कों पे सिख भाई निकले, क्या तिरंगा झंडा हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का नहीं? क्या चलने वाला बाग के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने सीने पे गोलियां नहीं खाई थी? आप बोले, कोई और बोले, अरे ये तो हिंदू, अरे ये फिरका प्रिस्त, हमारा रोटी बेटी 9 माह का रिश्ता हिंदू सिख, हम उसको लकीर निशानी। जी, आप जैसे लोग तो जब किसान आंदोलन चल रहा था तब कह रहे थे के सरकार जो है किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी कह रही है, आपने तब का देखा नहीं था नजारा जो बिट्टा भाई बता रहे हैं, तब किस तरह से तिरंगा के साथ हुआ था? मैं पूछना चाहती हूं, कहीं ना कहीं आप यहां के राजनीति में फंसकर हम इस देश में जो खालिस्तानी एक फिर से मूवमेंट जो सर उठाने की कोशिश कर रही है, क्या हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं? गिन्नी सानी सी मैडम, ये आपको लग रहा है कि जो आज सिख समाज के लोग हैं वो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, ये आपको लगता है? मुझे नहीं लगता सही जी। मायने में सिखों का जो योगदान है भारत की आजादी से लेकर, मुझे मत बताइए जी, मैं वो, भी पंजाब वो से हूं। छुपा नहीं है आज की डेट में, आज नहीं, मैं आपसे क्या, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, आज एक नरेटिव सेट किया जा रहा है कि आप कनाडा के मूवमेंट को भारत से जोड़ रहे हो, ये कहां तक जाया जाए? सबसे बड़ी बात आप ये बात बताइए, क्या भारत के सिखों का योगदान जो भारत के लिए है, क्या वो अपने आप में छोटा हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। कनाडा के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, लेकिन आज झंडा निकालकर कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं आती? कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं आती कहने के लिए कि खालिस्तानियों के साथ सिखों का कोई लेना देना नहीं है? क्यों नहीं आती? किसान आंदोलन में जब दिख रहा था तो क्यों आप उंगलियां उठा रहे थे सरकार पर? की डेट में
सिखों का आज सिखों का जो लेना देना है मैडम वो भारत के तिरंगे से है। आज चाइना का बॉर्डर संभालने वाले सिख रेजिमेंट के जवान अगर कोई सबसे ज्यादा तादाद में है तो वो पंजाबी हैं, वो सरदार हैं, वो पंजाब की मिट्टी हरियाणा की मिट्टी से आते हैं। आज हमें अपनी देशभक्ति का सबूत देने की किसी को जरूरत नहीं है। आज ये सरकार नहीं बताएगी कि कांग्रेस कब मूवमेंट करेगी कब नहीं करेगी, ये कांग्रेस सरकार तय करेगी, ये कांग्रेस की रणनीति तय करेंगी ये कब हमें मूवमेंट करना है। आज हमारे देश के लिए जो अहम मुद्दे हैं हम उसमें आज लोगों के साथ जुड़े बैठे हैं, हम देश के लिए आवाज उठाते हैं। अगर आप किसानों की बात करते हो तो 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। किसी ने पूछा भाजपा से कि आपकी रणनीतियों का कितना खामियाजा आज सिख समुदाय को या भारत के किसानों को भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं मनजिंदर सिरसा जी, मनजिंदर सिंह सिरसा जवाब देंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा जी देखिए देखियो, पहले तो मैं नविका जी आपको ये जरूर कहना चाहता हूं, जो ये विषय है ना उसको बार बार इधर उधर ले जाया जा रहा है। विषय बड़ा क्लियर है कि कनाडा ने ऐसे लोगों को क्यों पनाह दी जो आतंकी हैं या जो गैंगस्टर हैं। जब एक गैंगस्टर कल मारा जाता है तो कनाडा अब नहीं इस बात पर बोल रहा कि उसको किसने मारा, क्योंकि वहां पे खुद गैंगस्टर्स रह रहे हैं और उन गैंगस्टर्स का जो निजी लड़ाई है उसको पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी जाके अगर ये कहें कि हमें शक है, कोई क्रेडिबल सबूत नहीं है, हमें शक है, आप ऐसी बात करके आपने दुनिया भर के लिए भर में सिखों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। आप एक कंट्री जो है, देश जो है, उस देश के अंदर आपकी द्वारा जो लोग कतलेआम करके शरेआम वहां घूम रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करने वाला गोल्डी ब्राड शरेआम वहां खड़ा होकर वीडियो डाल रहा है और कह रहा है कि मैं तो करूंगा, और उसके बावजूद कनाडा की गवर्नमेंट उसको करती नहीं। नविका जी, क्या ऐसा हो सकता है कि वो कैनेडियन का मर्डर करके इंडिया गेट पे खड़ा होकर वीडियो डाल रहा और कह रहा हूं मैं तो फिर मरवाऊंगा। क्वेबेक वहां पे अलग कंट्री बनाना चाहता है, पर हमने तो कभी उसमें इंटरवीन नहीं किया। क्वेबेक की एम्बेसी के यहां बार के कनाडा की एम्बेसी के बार उनके झंडों को आग लगाएं, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो ये कनाडा ने किया है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने किया है, उससे दोनों मुल्कों का बहुत नुकसान हुआ है, आम जो लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, केवल एक राजनीति को लेकर, क्योंकि उनकी जो छवि खराब हुई थी G20 में, जैसे सारे मुल्कों ने उनको साइडलाइन किया, उनके एजेंडे को किसी ने हाथ नहीं लगाया और वहां जाकर मीडिया ने उनकी बहुत किरकिरी करी, उनको बहुत उनके खिलाफ यह चल रहा था, उस सबको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये रास्ता निकाला। कोई दुनिया में हम सिखों को ना आतंकी कह सकता है, ना कोई कहने की कोशिश करता, ना कभी सोच सकता है। जहां तक जो लोग मांग करते हैं भारत में, वो लोग इलेक्शन भी लड़ते हैं, ये जो लोग अलग से मांग करते हैं ना, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, जमानत जब्त कराते हैं, क्योंकि भारत के लोग भारतीय हैं, हम अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं। गुरु साहिब उन्होंने कहा है, पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, माता तरती जो है वो हमारी मां है, हम उसका सम्मान करते हैं, हमारा कोटि कोट हमारा खून जो है उसके लिए, हमारे गुरु साहिबानों की चरण छो स्थान है यहाँ पे। जो लोग उनकी बात कर रहे हैं मैं उनको भी हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूं, गुरपतवंत सिंह पन्नू की भाषा सुनिए, क्या कहते हैं, 4 दिन के अंदर अंदर सारे हिंदू कनाडा छोड़ दें। ये जितना क्या जहर है, ये जो आग लगाने का वो काम कर रहे हैं, मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो, भाइयों संयम रखो, इनकी बातों में मत आओ, ये हमें और आपको लड़ाकर नुकसान कराना चाहते हैं, ऐसी खाई बोना चाहते हैं, हमारी कई पुश्तें जो उस आग में जले, कितनी गंदी मानसिकता होगी। और वहां के प्रधानमंत्री उसके अलावा कुछ बोलते नहीं, आप सोचिए, ये प्रधानमंत्री, नविका जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिएगा, ये प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मुझे अपने वहां कनाडा के नागरिकों की जान माल की चिंता है, लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू जब यह बात कहता है कि तुम 4 दिन के अंदर अंदर कनाडा छोड़ दो नहीं तो तुम्हारी जान की जिम्मेवारी तुम्हारी खुद की होगी, फिर वहां के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, ना कुछ विदेश मंत्री बिल्कुल बोलते, क्योंकि बोलेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, क्योंकि उनकी अपनी सरकार, उनकी अपनी सरकार इन पार्टियों से सपोर्ट लेती है, नहीं तो उनकी तो माइनॉरिटी पार्टी है इस वक्त पावर में, और ये वहां राजनीतिक खेल हो रहा है। लेकिन परविंदर सेठी जी, आज मैं आपसे बड़ा सरल सा सवाल पूछना चाहती हूँ, आज प्रधानमंत्री मोदी जी को कम से कम आप सपोर्ट कर दें, उनको धन्यवाद कर दें या उनको मुबारकबाद दे दें कि आज भारत का जो सीना तान कर जवाब गया है कनाडा को, चारों खाने चित कर दिए हैं उन्होंने, तो आज कम से कम देश के लिए आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होंगे। मैं हर मौके पे, हर जगह पे
जहां पे देश की जरूरत है, जहां देश के हमारे प्रधानमंत्री अच्छा काम करते हैं, मैंने हमेशा इस बात का समर्थन करा। अभी आपने चला दिया कि कनाडा के विषय के दे दीजिए मोदी जी को। सेठी जी मेरी बात पूरी हो रही दीजिए। मैंने ये कहा कि अगर कोई अमेरिका के अंदर, कोई कनाडा के अंदर, कोई स्पेन के अंदर, कोई ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर खालिस्तान की मांग करता है, वो वहां का सिटीजन है, वो वहां के देश से खालिस्तान मांगे, वो भारत का सिटीजन नहीं है, वो भारत से नहीं मांग सकता। और वो सिर्फ अब वहां के लोगों ने भी उनको नकार दिया है। और आप इस बात को समझिए, अगर वो इस तरह की कोई गुरपतवंत सिंह पन्नू स्टेटमेंट देता है तो वो भारत के हिंदू सिख भाईचारे को खराब करना चाहता है, देश में सिखों की छवि को खराब करना चाहता है। देश के सिख जो है देशभक्त है, उन्हें कितनी बार सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कितनी बार सड़कों पे उतरना पड़ेगा? देश के अंदर उंगलियों पे आप गिन सकते हैं जो खालिस्तान की फेवर में है। कोई भी सिख खालिस्तान की फेवर में नहीं है, देशभक्त लोग हैं। 80-90% कुर्बानी है देश की, सिखों की। लेकिन आप बार बार हमें यह कहा जाता है कि आप सड़कों पर निकलिए, आप सर्टिफिकेट दीजिए। यह ड्रामेबाजी की कोई जरूरत नहीं है। यहां जितने सिख हैं वो देशभक्त हैं, देश के साथ हैं। बेटा साहब, इसके ऊपर बेटा साहब, सेठी साहब कह रहे हैं कोई ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं है, कोई सड़कों पे निकलने की जरूरत नहीं है। आपका जवाब? बस फिर तो ये है कि हमको चैनल में बुला लीजिए, सिरसा साहब को बुला लीजिए, इनको भी बुला लीजिए, और चैनल में डिबेट होती रहे। वाह, आम मेरा सिख भाई, लगेगा तो बुरा कईयों को, पहले भारतीय हूं मैं, बम चलाए ना इन्होंने, कहते ना फिर बम नहीं, पहले ना बम चलाएंगे। इनको कहता हूं, जब बम्बों से जीवन जाएगा ना, शरीर के नस नस से निकलेगा। मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात बंदे मातम, ये वो एमएस बिट्टा है। 14 बार हमलों के बाद क्यों ना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हिंदुस्तान की, क्यों ना उन्हें गुरु महाराज के सिर झुका के अरदास हो, हम खालिस्तानियों से खराब, क्यों ना कहे या भूखे मेंगे, पाकिस्तान से हम नहीं मिलना चाहते। मैं दावे से कहता हूं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी भारतीय चाहते हैं बेटा साहब, सभी भारतीय चाहते हैं, सभी भारतीय देशभक्त हैं, सभी भारतीय देशभक्त हैं। मेरी बात सुनो हर सिख देशभक्त है और देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। आप कह रहे हो सड़कों पे आइए, क्यों सड़कों पे? हम हमारे को आप डाउटफुल डाउट देना चाहते हैं, सिखों का डाउट देना चाहते हैं। सिख बार बार सर्टिफिकेट लेंगे, सिख बार बार सर्टिफिकेट, कौन पूछता है पन्नू को? कौन पूछता है पन्नू को? कोई नहीं पूछता पन्नू को, ना यहाँ पूछता है ना कनाडा में पूछता है। आपके पास कितने लोग हैं आपके पास? अरे कितने लोग हैं आपके पास? सुबह 1000 आदमी लेकर सड़क पे आए, सिख बार बार सिरसा साहब, सिरसा साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। सिरसा साहब, जब किसान आंदोलन में कभी भी चर्चा हुई कि कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, तब ये सड़क पर निकल आते थे, आज ये सड़क पर निकलना नहीं चाहते? चलिए सड़क पर निकलकर अपनी मातृभूमि को मानने के लिए कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब जब भारत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोला जा रहा था, तब भी यही सोचना चाहिए था इनको? नहीं, देखिए मैंने तो परसों यही ट्वीट करके कहा था कि हम लोगों को ये बड़ा क्लियर स्टैंड लेकर, ये जो लोग, क्योंकि ऐसा होता है, देखिए अगर जर्नल बात होती रहती तो होती रहती, लेकिन जब कुछ लोग जो अपने आप को सिख बताते हो, चाहे वो सिख फॉर जस्टिस वाला पन्नू हो, जब ऐसी वीडियो डालनी शुरू कर दे कि हिंदुओं को निकाल देंगे, हिंदुओं को कनाडा छोड़ना पड़ेगा, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है उस चीज को क्लेरिफाई करना कि नहीं भाई, ये हम नहीं है वो लोग, ये कोई गंदे लोग हो सकते हैं, हम नहीं है वो लोग, हमारी भावना इसको मेरे मत समझा जाए, ये गंदे लोगों की वीडियो इन्हीं तक सीमित है, हम ऐसे नहीं है। देखियो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके टीवी चैनल पर रमन चोपड़ा जी हैं,
कनाडा में रहते हैं, कैनेडियन सिटीजन हैं, लेकिन उन्होंने सच्चाई का साथ देते हुए कहा कि भैया ये गलत काम किया है, हमारे यहाँ पे नफरत फैलाने का काम किया, हम प्रधानमंत्री के खिलाफ इस मसले में नहीं है। अब प्रधानमंत्री कोई भी हो, हमें मानवता पहले देखनी है। मुझे अच्छा लगा कि हम लोगों को मिलकर ये जरूर सीखना है, हम भारत के लोग भी कनाडा के एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हम उनका साथ देते हैं, हम अच्छे वो लोग हैं, हमारे भारतीय वहां पे बसते हैं, हम उनको प्यार और मोहब्बत स्नेह करते हैं, हम अपना रिश्ता नहीं टूटने देना चाहते वहां पे। लेकिन इसकी चिंता वहां के प्रधानमंत्री जी को भी करनी चाहिए कि आपको राजनीति के लिए ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिसके कारण इतना विवाद खड़ा हो गया, हमारी कम्युनिटी का नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है। नविका जी, आप तो पंजाब से, आप तो जानती हैं पंजाब और कनाडा के अंदर जो रिश्ते हैं, हमारा तो निजी तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इसमें इतना ज्यादा कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, और एक प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट बोलकर और सारा का सारा मिट्टी कर दिया। और आप देखो अभी सफाई देने के लिए, अब क्योंकि ट्रूडो फंस गए हैं, वो सफाई देने के लिए दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं कि नहीं नहीं मैं आतंकियों का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि कल वहां पर एक और आतंकी मर गया, तो अब दुनिया के लोग उनसे पूछ रहे हैं भाई तुम्हारे यहां तो आतंकी मारे जा रहे हैं या गोलियां चल रही हैं और तुम लोग आतंकियों का साथ दे रहे हो और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। अब ट्रूडो जी को कंट्री कंट्री जाना पड़ रहा है। गिन्नी सानी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये मैसेज आज जस्टिन ट्रूडो को बिल्कुल साफ हो गया है कि आज का भारत ये ट्रूडो जो उसको दबाना चाहता है, कुछ भी कहकर निकल जाना चाहता है, आज का भारत नहीं सहेगा? मोदी ने आज जिस तरह से कनाडा को जवाब दिया है और ट्रूडो ने जिस तरह से पूरे पूरे विश्व में एक माहौल बनाने की कोशिश की, आज उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। कम से कम इस बात पर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को मुबारकबाद देती है, उसका स्तर बड़ा हुआ ये मानती है भारत का? मैडम, सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में प्रधानमंत्री मोदी हो या हमारे विदेश मंत्री हो, इनकी कूटनीति देश के लिए सर्वोपरि है। आज की डेट में ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जो कहेगा कि मोदी सरकार अगर किसी भी तरीके से देश हित बात कर रही है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। और दूसरी बात रही कि ट्रूडो के आप बयान की बात कर रहे हैं मैडम, तो उनके द्वारा हमारे ही देश के अंदर आग लगा करके सिख और हिंदू का जो आपस में विवाद है उसको बढ़ावा देना, ये कहीं ना कहीं उनकी साजिश है भारत को तोड़ने की, हम उसका भी समर्थन नहीं करते हैं। आज हम एक ऐसे भारतीय हैं जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब मिलके रहते हैं, ना तो आपको भारत का नागरिक खालिस्तान का समर्थन करता नजर आएगा, ना आपको भारत का नागरिक हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता आएगा। हम एक संविधान से चलने वाले लोग हैं और संविधान को मानते हैं। राहुल गांधी जी बाहर जाकर प्रधानमंत्री के बारे में और इस देश के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? मैडम, राहुल गांधी जी ने अपनी बात में सिर्फ लोकतंत्र के वो मुद्दों को बयां करा है जिसको उन्होंने फेस किया है। आज आप एक छोटी सी बात तो को देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर करनी है? उनके जितने मुद्दे हुए जो उन्होंने, मैडम आज की डेट में अगर भारत उच्छेद के मुद्दे उठेंगे, आज जस्टिन ट्रूडो के बयान से, आज विदेशों को छोड़ो, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम खड़ा हो गया, तो आज की डेट में ऐसे बयानों के द्वारा, और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री की निजी व्यक्तिगत बात करी है, देश की बात नहीं करी। अगर आज नरेंद्र मोदी जी पूरा देश हैं तो आप ये आप सोचती होंगी, अगर हम नरेंद्र मोदी जी का कहीं विचार हमारा मतभेद होने की वजह से उनका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम भारत का विरोध कर रहे हैं। पर प्रधानमंत्री देश के सिर्फ एक इंसान होते हैं या देश के देश को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे बड़ा आइकॉन होते हैं? देखो मैडम, मैं बीजेपी का तो नहीं हूं, मैं टक्सालीन कांग्रेसी रहा हूं। आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हम नवाज शरीफ की तारीफ तो नहीं करेंगे, अपने देश के फक्र से प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे जिन्होंने 370 धारा फसाई, जिन्होंने तिरंगा झंडा सिकंदर मा तक पहुंचाया, जिन्होंने G20 किया। बिट्टा साहब, ये 370 का मसला है या कनाडा और भारत का मसला है? अब आप 370 को इसमें मिक्स कैसे कर रहे हो? नहीं नहीं, ये 370 का मसला कहां से आ गया ये बात बताइए। ये 370 यहाँ पे भारत की या भारत के सिक्कों के ऊपर आज या भारत के सिक्कों के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है और आप 370 की बात कर रहे हैं? आपको बात करनी चाहिए कि भारत का सिख भारतीय है या नहीं। इस पूरी डिबेट का जो मतलब है वो ये है, क्या भारत का सिख भारतीय है या खालिस्तानी है?
आप उस पर जवाब दीजिए। आप 370 पे उठ के आ रहे हो, आप किसान आंदोलन पे उठ के आ रहे हो। राइट नो, हमारे देश के अंदर जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि भारत का सिख देश भर है, भारत का सिख जस्टिन ट्रूडो के बयान का समर्थन करता है। आप उस पर बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हो उठा करके 370 की, आप बात कर रहे हो मोदी सरकार की कसीजे कटने की, आप मोदी सरकार की तारीफें कर रहे हो। अपन को नरेंद्र मोदी जी के मैं नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं हो रही, नरेंद्र मोदी जी देश नहीं है, देश हमारा तिरंगा है, भारत माता की मिट्टी है देश, नरेंद्र मोदी देश नहीं है। भारत आजादी से अब तक भारत में कितने प्रधानमंत्री आए, पर उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं ही भारत हूँ। चाचा नेहरू ने नहीं बोला, इंदिरा गांधी ने नहीं बोला, राजीव गांधी ने नहीं बोला, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं बोला कि मैं ही भारत हूँ। और आप लगातार बिट्टा साहब ये सवाल बना रहे हैं, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इंडिया भूल गए आप, लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है। देवेंद्र गुप्ता का मोहाली पंजाब से सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और उनके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इस मसले की खुलकर निंदा करते हैं? अगर हाँ तो कोई बड़ा बयान अब तक क्यों नहीं दिख रहा? सेठी जी, कोई बड़ा बयान क्यों नहीं आ रहा भाई? देखिए, हर विषय के ऊपर बयानबाजी करी जाए। आप, मैंने कहा राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पार्टियों में, लेकिन नेशन कम्स फर्स्ट। चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हर विषय पे बयानबाजी नहीं करते अरविंद केजरीवाल, नोट कर लीजिए, वो देश के नोट कर लीजिए, हर विषय पर नहीं बोलते अरविंद केजरीवाल। और आपने आप नेशन का नेशन कम्स फर्स्ट तो सपोर्ट कर देते मोदी जी को, भक्षणा कर देते ट्रूडो की, फॉरेन पॉलिसी का मामला नहीं की, बाकी हर चीज पर तो बोलते हैं। लेकिन चेतन शर्मा का रांची से सवाल है, हमारा देश बदल चुका है ये बात जस्टिन ट्रूडो को पता चल चुका होगा, लेकिन देश के नेता इसे कब समझेंगे? HS चोपड़ा का अमेरिका से सवाल है, जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान का समर्थन करते हैं तो कनाडा में ही एक खालिस्तान क्यों नहीं बनवा देते? अंजनी कुमार शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से सवाल है, क्या विपक्ष अभी भी नहीं मानेगा कि मोदी जी देश पर आंच आने पर कड़ा रुख अपनाते हैं, फिर चाहे पाकिस्तान हो या कनाडा? कम से कम इस देश में कोई मतभेद नहीं है। हाँ, बस इतना जरूर इंतजार रहेगा कि हर बड़ा नेता, हर राजनीतिक दल आकर इस देश में सरकार के साथ खड़ा हो, क्योंकि इस वक्त बात भारत की है और जवाब देना है ना सिर्फ पाकिस्तान को पर कनाडा को। जस्टिन ट्रूडो जी, समझ लीजिए, भारत अब नया भारत है, इस भारत को डर नहीं लगता, ये भारत जवाब देता है, आंख से आंख मिलाकर बात करता है और इस तरह के आरोप खारिज भी करता है और कड़े कड़े स्टेप भी लेता है। आज मेरा नजरिया सिर्फ इतना है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता की लाइनें हैं, कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने घर में सदा खरा होता है। तो ट्रूडो जी, आप कनाडा में अगर बैठकर सोच रहे हैं कि भारत में चिंगारी छोड़ेंगे तो ये चिंगारी आपके अपने घर को चला दे। ये बात पाकिस्तान के लिए सच साबित हुई है, यही बात अब कनाडा के लिए भी सच साबित हो रही है। कनाडा में खालिस्तान की गतिविधियों को बढ़ावा देना और भारत के खिलाफ दुनिया से झूठ बोलना, इन दोनों बातों पर भारत की प्रतिक्रिया कड़ी है। ये भारत की मजबूत विदेश नीति की कॉन्फिडेंस को दिखाता है और आगे भी दिखाता रहेगा। आज बस इस डिबेट में इतना ही, लेकिन दूसरी